ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग। श्री भगवान उवाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च शशन्नाशी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म मनुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी जुगारूढ़स्तदुच्यते उद्धरित्मात्मा अत्यणं ना अत्यं बदाशयेत् अतीवहत्यण बंधुरातीव रिपुरातण बंधुरात्तानत्तस्य जीनत्यैवात्मना जीत अनात्तणस्तु शत्रुत्ये वर्तेतात्तेव शत्रुवत्। जीतात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतस्न सुखदुःखेषु तथा माना अपमानया ज्ञान विज्ञान तृप्त्यात्या कूटस्थ विजितेन्द्रिया युक्त इत्तच्युते योगी समालुष्ट्रास्म कांचना सुख मित्राजु दाशीण मध्यस्थ अद्येषु बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समः बुद्धि विनिश्यते। योगी जुञ्चीत सततमात्मनं रहसि स्थित एकाकी जच्चित्मात्या नीराशिर परिग्रह। सूचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मना नातुच्छित्यं नाचिचित्यं चैलाजीन कूशोत्तरं तग्रैकाग्रगं मनो कृत्या जतो चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविशाषणे जुञ्जत् योगमात्त विशुद्धये। शमंकाय शीरो ग्रीव्यं धारयन्याचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नशिकग्रं सं दीकश्चाण अवलोकयन् प्रशान्त्वात्मा विगौति बिभ्रम्भ चारि व्रते स्थित्या मनो संयम मच्चित्य युक्त आशित मत्परो। युक्तेन वंशदात्मानं योगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परायं मत्सु संस्थाम अधिगच्छन्ति। नत्यश्नोस्तु योगहस्तेन चैकान्त मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुनाम्। युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टेषु कर्मसु युक्ता स्वप्नबोधस्य योग भवति दुःखः। जदा विनियतं चित्मा आत्मन्ने व्यवतिष्ठते निस्पृह शर्म कामेभ्य युक्त इत्तच्युते तथा। जदा दीप निवातस्त निंगते सोपमा स्मृता योगिना जतचित्यस्य जुञ्जत्या योगमात्मना जत्रो परो मते चित्यं निरुध्यं जुगुषेवया जत्र चैवात्मानत्यं पश्यत्मात्यणि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं जत्तद बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वित्ति जत्यण चैवायं शीतचलस्ति तत्तत। जं लब्धचापरं लाभं मन्नते नाधिकं तत जस्मिन् स्थितं दुःखेन गुरुनापि विचलते। त्यं विद्या दुःखो संजगवियगं
संजुंगीत्यम स निश्चयेन युक्त्यव्या जुगुः निर्विघ्नचेतसा संकल्प प्रभान कामस्तंस्तता सर्वाणशेषतः मनुषैवेन्द्रियग्रामं विनियंग समुन्तता शनैशनैरूपं परमेदबुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्या संस्तं स्तं मनो कृत्याण किञ्चित् विचिन्तयेत् जतु जतु निश्चलन्ति मनः चञ्चलमस्थिरं ततु ततु नियमितत् आत्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसंहीणं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्म भूतं कल्मषम् जुञ्जविन्यं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेण ब्रह्म संस्पर्श मतन्त्यं सुखमश्नुते सर्वभूतस्त्वात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते जुगजुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनं जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न वशमामि शौच मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थित्यं चो मां भजोक्तौकं मा स्थित्या सर्वथा वर्तमानोऽपि सोऽयोगी मयि वर्तते आत्योपन्नेन सर्वत्र समं पश्योति शुभर्जुन जो सुखं वा यो दीवा दुःखं च योगी परमहमता अर्जुन वाच जोहयं जगद्वाया प्रक्तसाम्येण मधुसूदन ईत साहं न पश्यामि चञ्चलात्मास्थितिस्थिरं चञ्चलं हि मनो कृष्ण प्रमुदीबल वर्जितं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्करम् श्री भगवान वाच असंशायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासाणि तु कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते आत्त असंजात्मात्याना जुगु दुष्प्राप्य इति मे मति वसत्माणा तु जजता शक्कः वाप्त्युमुपायत अर्जुन वाच अजति श्रद्धयोपेत जुगः चलित मानस अप्राप्य जुग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्न भयो बिभ्रष्ट अश्चिन्या भ्रमीव नश्यति आप्रितिष्ठो महाबाहो विमूढ ब्रह्मणपथि तै तन्मे संशयं कृष्ण शीतुर्महर्षशीशत तदत्मन संशया शास्य चित्याना उपपद्यते श्री भगवान वाच पार्थ नैविह मामुत्र विनाशन्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप पुनः कृत्यां लोकानुषित्या शश्यति शमा शुचिनां श्रीमतां गेहे जुग्रभ्रष्टो हभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि सृशम् तत्रोतं बुद्धि संयोगं लभ्यते पूर्व देहिकं जजते च तयो भूय संसिद्ध्यौ गुरुनन्दना
पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यपशुः बीज जिज्ञासुरपि योगद्य शब्द ब्रह्मा उति वर्तते। प्रजत्नात् जतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिष अनेक जन्म संसिद्ध्यस्ततो याति परां गतिम्। तपस्वीभ्यो होधिकयोगी ज्ञानभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यस्याधिकयोगी तस्मात् योगी भवार्जुना। योगिनामपि सर्वेषां मतगतिनारं तत्रात्मना श्रद्धावान् भजोति जो मांसमे युक्तो तमो मता। इति षष्ठाध्यायः ध्यानयोगं समाप्तम्।